तो गाइस स्वागत है सबका यार आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई वीडियो हम शुरू करने वाले हैं आज से कुछ पैच के बारे में। तो ठीक है, तो भाई बिना किसी देरी के भाई शुरू करते हुए हैं वीडियो एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है सबका आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई मतलब पता ही है आज क्यों मैं ये वीडियो भाई बना रहा हूँ आज, बिल्कुल नए नए प्लेयर्स के लिए, जो अपने नए नए जो भाई लोग आए हैं ठीक है गेम में, जिन्होंने नया नया गेम ज्वाइन किया, जिन्होंने पबजी छोड़ के फ्री फायर में जो आए उनके लिए वीडियो है ठीक है। मतलब सब लोग वैसे जो पुराने प्लेयर है जो 3-4 महीने से खेलते भी हैं, जो 3-4 महीने वाले भी हैं, उन सबको पता है कि भाई पैच क्या होता है ठीक है। भाई फ्री फायर में क्या होता है, जो पैच आता है वो अपडेट आता है, जैसे ये OB24 का अपडेट हो सकता है ठीक है। देखो यार ये 24 लिखा भी हुआ है, ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है इन लोगों का, पिछले बार 23 को आया था, 24 को आया क्योंकि ये OB24 का अपडेट है। तो भाई मेंटेनेंस है मतलब, तो भाई जो लोग नए नए बंदे हैं वो डरना मत, मतलब वो सोचना मत कि ये गेम क्यों नहीं चल रहा है ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख भी सकते हो, देख भी सकते हो, सर्वर विल बी डाउन फॉर मेंटेनेंस ऑन 23 सितंबर फ्रॉम 9:30 to 17 GMT 5.5। भाई 17 का मतलब होता है 5 बजे ठीक है। मैं आसान सा ट्रिक बताता हूँ, कोई डेट पता लगानी है, दिन पता लगाना है, तो भाई जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 17 ठीक है, तो उसमें 2 माइनस करो क्या है 15, तो जो जो सेकंड डिजिट होता है मतलब सेकंड डिजिट 5 हुआ उसका मतलब 5 को होगा ठीक है, मतलब 5 बजे शाम को स्टार्ट हो जाएगा। इनमें से 5 बजे से पहले ही होता है ज़्यादातर, तो 4:30 बजे तक हो जाता है, 4 बजे तक बस जाके फ्री फायर को अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से ठीक है। नहीं करोगे अगर यहाँ पे खोलोगे तो सीधा यहीं से दिखाई दे, तो भाई दिखाई दे बुआ डेट दिया हुआ है 25/10। भाई यहाँ पे ये कोई शायद कोई नया कोई हमारा कुछ आने वाला है जिसमें दिया बुआ डे, और भाई यहाँ पे लिखा हुआ फ्री फायर मेंटेनेंस है भाई अपने ठीक है। तो आगे देखो तो न्यू वेपन पैराफेल नाम की भाई न्यू वेपन की अपनी अवेलेबल इन क्लासिक इन क्लैश क्रेड, क्लैश क्रेड और क्लासिक में आने वाली है। हालांकि मेरे को तो लग रहा है कि भाई AR वेपन ही होने वाली है, कि SMG तो लग नहीं रहा है। अब आगे भाई ये हमारी आ रही है फार्म हाउस, भाई गोल्डन स्किन मिलने वाली है फार्म हाउस की, जैसे कि पता ही होगा कि भाई हर बार हमको एक स्किन मिलती है जो गोल्डन होती है, जैसे डेजर्ट ईगल गोल्डन मिली थी, फिर जीवन की स्किन गोल्डन मिली, और फार्म हाउस के लिए भाई गोल्डन स्किन मिल रही है ठीक है। देख सकते हो ऐसी आने वाली है, बहुत ही लाजवाब दिख रही है भाई, अभी लिखा हुआ द गोल्डन फार्म हाउस। भाई ये अपडेट के बाद आएगी 24 को, मतलब कल आएगी ये ठीक है, 4:30 बजे मतलब 2:30 पे आने वाली है, कल दोपहर में 2:30 पे आ जाएगी क्लैश स्क्वाड के अंदर ठीक है। तो 2-4 दिन में कल कोई अपडेट आएगा नया, और फिर आगे बढ़े तो भाई आगे बस मतलब इतना ही दिया है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ है नहीं। हम चेक करते भाई पैच नोट्स ठीक है, क्रोम से हम अपना खोलेंगे पैच नोट्स। यहाँ पर देख सकते हो क्लैश रैंक सीजन 3 आने वाला है क्लैश स्क्वाड का, 3rd सीजन है जैसे पता ही होगा, अभी बहुत ही मतलब थोड़ा दिन पहले ही सीजन स्टार्ट हुआ इसके भी, इसमें भी गोल्डन फार्म हाउस मिलेगी जो कि मैंने पहले बता दिया। क्लैश स्क्वाड के स्टोर में भी एडजस्टमेंट होने वाली है, एडेड साउंड फॉर परचेजिंग मशरूम एंड हॉर्सलाइन, जब आप हॉर्सलाइन और मशरूम खरीदोगे तो भाई अलग से एक साउंड आने वाली है ठीक है। प्लेयर विल नो लॉन्गर लूज स्टार्स व्हेन दे कनेक्ट एंड विन द मैच हैव दे अबंडेंट, भाई प्लेयर मतलब प्लेयर्स के स्टार्स माइनस नहीं होंगे ठीक है, अगर अबेंडेंट हो गया, अबेंडेंट मतलब नेटवर्क से जाने पे बंदे बाहर नहीं हो जाते हैं वो होता है अबेंडेंट ठीक है। प्लेयर्स विल रिसीव फ्यूअर ऑप्शन ऑन देयर रैंक शील्ड आफ्टर प्लेटिनम रैंक, प्लेयर विल रिसीव फ्यूअर पॉइंट्स, भाई कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं बंदों को जो प्लेटिनम के ऊपर निकलेंगे ठीक है। अब वेपन एंड बैलेंस दिखा दे तो भाई पैराफेल अभी न्यू वेपन आने वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, द पैराफेल इज अ न्यू AR मतलब AR वेपन होने वाला है, ये AR चलेगा डेट विल बी अवेलेबल आफ्टर द पैच विद अ सुपर हाई स्टॉपिंग पावर एंड एक्सट्रीम रेंज, इसकी रेंज भाई ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है। प्लेयर्स विल बी एबल टू टेक डाउन एनिमीज फ्रॉम फार वे विद ईज, मतलब आसानी से बंदे भाई बंदे को मार सकते हैं क्योंकि इसकी मतलब ज़्यादा रेंज है ठीक है, ज़्यादा रेंज से मार सकते हो भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे से तक लॉक ड्रॉप निशान लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। टेक डाउन एनिमीज आफ्टर हाउएवर द स्लो रेट ऑफ फायर विल गिव अपोनेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू अटैक वंस यू मिस अ फ्यू शॉट्स,
अगर भाई इसका डैमेज देखो बहुत अच्छा है, 40 है ठीक है, मैगजीन इसकी 30 की है, रेट ऑफ फायर यहाँ पे दिया, अटैचमेंट इसमें क्या क्या रहेगा भाई, मजल स्टॉक मैगजीन ग्रिप एंड स्कोप भाई, मतलब इसका मतलब सब कुछ इसमें लग रहा है ठीक है। पर लेकिन भाई एक डिसएडवांटेज है इसका, इस गन की रेट ऑफ फायर कम है कि अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो भाई आगे सामने वाला बंदा आपको खत्म कर सकता है। फिर एक और नया वेपन है अपना फ्लेम थ्रोअर भाई, जो पिस्तौल की जगह पर आएगी, इसमें यार डैमेज इसका 15 का होगा, मिनिमम डैमेज 10 का, मैक्सिमम 15 का ठीक है। इसका रेंज 4 है, 4 पता नहीं कितना होता होगा रेंज, रेट ऑफ फायर दिया है, कैन नॉट बी रिलोड भाई, रिलोड नहीं हो सकती है, मतलब जैसे अपनी ये जो अपनी ट्रीटमेंट गन है जैसे रिलोड नहीं होती है, इसमें कोई गोली एक्शन नहीं आती है, वैसा ये भी है। और भाई ग्रेनेड में एक मैकेनिज्म जोड़ा गया है ठीक है, जो बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे आप उसकी पिन निकालोगे, मतलब आप जैसे ग्रेनेड इक्विप करोगे उसको फेंकने के लिए ठीक है, तो भाई पिन खींचने की आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आएगी, और फिर उस टाइम आपका टाइमिंग चलेगा, जैसे कि आपने पबजी में देखा होगा कि बंदे अपने बंदों को उड़ा देते हैं उससे, मतलब आप अपने बंदों को तो नहीं उड़ा पाओगे पर वहाँ से दूसरे बंदों को अपनी पूरा स्क्वाड खा सकते हो, पता है अगर आप एक अकेले बंदे हो तो भी, क्योंकि भाई ग्रेनेड निकालोगे और उन बंदों को भागने का समय भी नहीं मिलेगा, भाई सीधा फेंकोगे जैसे ही भाई वहाँ पर पहुँचेगा ग्रेनेड, अगर हवा में भाई अगर टाइम खत्म हो गया तो हवा में फट जाएगा, ऐसा है मतलब भाई। P90 में भी कुछ चेंज हुआ है ठीक है, उसमें रेट ऑफ फायर 3+ हुआ है और मैक्सिमम स्प्रेड -10 हुआ है। M14 में भी चेंज हुआ है भाई, इसका डैमेज 58 था, 59 किया हुआ, मिनिमम डैमेज 30 था, उसको 25 कर दिया भाई, ये क्या यार, तो बहुत ख़राब चीज़ हो गई। M14 रेज स्कोर में भी, M14 के रेज स्कोर में -11 हुआ है भाई, प्लाज्मा में प्री शॉट्स पड़ चुके हैं, मतलब अच्छी बात है, पर जब हम दौड़ते दौड़ते भाई मारते थे वो भी सही लगता था, उसमें -11% हो गया। और भाई कार 98 के बायोमेट्रिक स्कोप में भाई कोई चेंज हुआ है भाई, यार पहले यार बंदे हैकर जैसे मारते थे सीधा भाई धड़ 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 मारते रहेंगे हमें, तो भाई उसमें उन लोगों ने कम कर दिया है, एम एसिस्ट इन्होंने -35% कर दिया है। पहले भाई बंदा अगर हमें कार 98 थोड़ा आजू बाजू मारेगा सीधा अपने को लगता था, वो थोड़ा कम हो गया। ग्लाइडर इज करेंटली टू स्ट्रॉन्ग ऑन सम मैप्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, वी आर गोइंग टू बी रिड्यूसिंग सम ऑफ इट्स एयर टाइम टू मेक श्योर प्लेयर कैन नॉट गेट अनरीचेबल प्लेसेस विद द ग्लाइडर। अब भाई इसकी मैक्सिमम फ्लाइट एटीट्यूड पर 38-14 कर दी गई है, वजह से बंदा यार मतलब शायद इसमें आप फैक्ट्री पे नहीं चढ़ पाओगे, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब स्कैन में भी कुछ चेंज आया, नाउ एबल भाई व्हीकल्स स्कैन भाई बहुत सही चीज़ आ गया स्कैन में भी। अगर आपको भाई अगर आप उतरना है आपको ऐसे कि आपको सीधा गाड़ी के पास उतरना है ठीक है, तो आपके स्कैनर में आप गाड़ी भी दिखाएगी ठीक है, स्कैनर में शायद वैसा हो रहा है जो UAV आता है उसमें भी हो सकता है, फिर जब हम उड़ते हैं तो मतलब निकलते हैं उस जय का भाई शॉट डेटर भी रिलीज, रिसीव फीडबैक अमाउंट ऑफ एमो रिस्टोर भाई नॉट सफिशियंट भाई, मतलब इसमें ये है कि जय के कैरेक्टर में ये लोग अपनी बढ़ा रहे हैं क्या एमो बढ़ा रहे हैं ठीक है, रिलो क्योंकि उसका काम वही है बेकार है। फिक्स नंबर एंट्री एनिमी सी क्लूज लोकेशन एक्टिवेट स्किल भाई, क्लू का भी चेंज किया गया भाई, एनिमी को पता लग सकता था कि क्लू यहाँ पे है तो उससे इन्होंने चेंज कर दिया ठीक है। अब गेम मोड बाय ट्रेनिंग ग्राउंड वी हैव रिसीव मल्टीपल फीडबैक, क्या है भाई मिनी गेम ट्रेड व्हीकल अपडेट इससे बेकार बेकार दिया है, प्लेयर्स विल नाउ स्पॉन क्लोज टुगेदर व्हेन एंटर द सोशल ग्रुप, एडेड न्यू फीचर फॉर विंडोज नेविगेशन होम एम्फीबियस मोटरसाइकिल नाइट्रो एंट्रम भाई, नाइट्रो क्या आने वाला है इसे एम्फीबियस मोटरसाइकिल, मतलब वो जो पानी के अंदर चलती है, न्यू मिनी गन आने वाली है, टारगेट आर नाउ अवेलेबल, प्राइवेट मोड थिएटर नाउ अवेलेबल भाई, प्राइवेट मोड भी कुछ मूवी कुछ इसमें आएगा, थिएटर इन अवेलेबल नाउ अवेलेबल शायद उसमें, एरिना भाई स्मॉल आइलैंड अपना चेंज होने वाला है ठीक है, जो मैंने पहले वीडियो डाली थी अपडेट की बार देखी होगी तो पता होगा ही ठीक है, तो भाई मज़ा आएगा। आर्मरी में भी देख सकते हो यहाँ पे, पढ़ लो यार जल्दी जल्दी भाई, अब इतना टाइम नहीं है। अपलोड सेटिंग HD टू फ्री फायर क्लाउड, ट्राई टू एडजस्टिंग सेटिंग एवरी पैच यू गाइस आस्क मी वी डिलीवर, प्लेयर्स कैन नाउ अपलोड डाउनलोड एंड ओवरराइड द कॉन्फ़िगरेशन इन द सेटिंग मेन्यू भाई, मतलब आप खुद भी वहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हो ठीक है, मतलब वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें कस्टम HD में जो पहले दिए हुए थे अब शायद उसमें आप लिख सकते हो, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ लग रहा है। माई बैक पैक कब क्या है फॉर लूटिंग, वेल यू प्लेयर्स कैन नाउ शॉट देयर बैक पैक इन गेम शॉट, मतलब कुछ इसमें पता नहीं समझ नहीं आया इसमें क्या लिखा हुआ है, बग फिक्स ठीक है। मशरूम्स कैन नाउ बी मार्क भाई, मशरूम भी पता चल जाएगा ठीक है, प्लेयर कैन नाउ ओपन सेटिंग मेन्यू व्हेन दे स्पेक्टेड ऑर्डर भाई, पहले क्या होता था कि वो सेटिंग वाला ऑप्शन नहीं खोल पाते जब हम किसी को स्पेक्टेड कर देते, अब वो खुल पाएगा ठीक है। मेरे बहुत बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, पढ़ लो यार मतलब बहुत, चलो खत्म हो गया वैसे, 9 मिनट की वीडियो है भाई, अब ठीक है तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ठीक है, मिलेंगे सिर्फ आज ही मिलेंगे लाइव स्ट्रीम पे, अगर नेटवर्क मेरा ठीक रहा तो भाई हम लोग
क्लैश स्क्वाड में या फिर मतलब बाकी क्लासिक में जिसमें मजे करेंगे, नया मैप देखेंगे अपने भाई बरमूडा 2.0 कैसे होने वाला है। ठीक है तो भाई बस अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।